हेलो एवरीवन, इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका था और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म फॉरियर सीरीज की इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट पहले ही कवर कर चुके हैं। अब ये जो पार्ट चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म वाला चल रहा है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, तो निकालना शुरू करते हैं। पहले ये सिग्नल को देखो, सिग्नल का पीरियड कितना है, कैसे पता लगाते हैं। कोई भी एक जगह पकड़ लो, कोई भी, चलो मैंने ये वाली पकड़ ली यहाँ पे T=0 पे, तो ऐसी जगह चीज़ इधर जाओ या इधर जाओ, फिर वहाँ पे आके कहाँ पे आ रही है, यहाँ तो ये तो नीचे आ रही है, इसके बाद कहाँ आ रही है, ऊपर आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ के बाद यहाँ जाके वो रिपीट हो रही है, उसी को क्या कहते हैं, उसका टाइम पीरियड। तो T=2 सेकेंड इसका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। तो हम FT को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, ए नोट उसकी एवरेज वैल्यू, N=1 to infinity an cos n ओमेगा नोट टी, ठीक है, प्लस bn साइन n ओमेगा नोट टी। ओमेगा नोट की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, T=2 आ चुका है, तो ओमेगा नोट जो होता है 2π/T होता है। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी आई है, 2, तो ये कितना आ गया, पाई आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओमेगा नोट की जगह क्या लगा दूंगा, पाई लगा दूंगा। तो मेरा जो मैं रिप्रेजेंट करना है मुझे क्या करना है, an cos n पाई टी प्लस bn sin n पाई टी। ठीक है, अब a नोट, an और bn की और वैल्यू निकाल लेते हैं हाथों हाथ, उसमें लगा देंगे। फिर ए नोट क्या होता है, 1/T, यहाँ पे पूरा पीरियड FT/DT। ठीक है, तो t की वैल्यू हमें पता है 2 है, पूरे पीरियड पे लिखो, 0 से लेकर 2 तक है ना, मैंने चुना मैंने पीरियड, तो 0 से लेकर 2। ठीक है, FT/DT, तो हमारा पीरियड, इसको देखो, हमारा जो चीज डिवाइड है 0 से 1 तक, उसकी वैल्यू 1 है, और 1 से लेकर 2 तक 0 है, तो लिखेंगे इसको 0 से 1 तक इसकी वैल्यू रही 1, और 1 से लेकर 2 तक उसकी वैल्यू रही 0। तो यहाँ से इसको जब इंटीग्रेट करेंगे कितना मिल जाएगा मुझे, ये तो आगे वाला 0 हो गया, 1 का हो गया t, लिमिट लगा दो 0 से 1, तो ये 1 ही हो जाएगा। ए नोट की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 1/2, यानी इसकी एवरेज वैल्यू आ गई 1/2। नेक्स्ट निकालो an निकाल लेंगे ऐसे ही, तो वो कितना होता है, 2/T ओवर ए पीरियड FT cos n ओमेगा नोट t dt, ये होता है। ठीक है, t की वैल्यू कितनी है, 2, पीरियड मेरा 0 से लेकर 2 तक, FT अभी अभी मैं लगाऊंगा दोबारा से, ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी है, पाई। ठीक है, अभी हमने निकाल चुके हैं ऊपर, इसको मैं कर लूँ अलग, ये तो कैंसिल हो गया। तो मेरा जो पीरियड है FT की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है मेरी, 0 से 1 तक, इसकी वैल्यू 1 है cos n पाई टी डी टी, और 1 से लेकर 2 तक 0 × 0 है उसकी। ठीक है, cos n पाई टी डी टी, तो इसको करो इंटीग्रेट, ये तो आगे वाला पार्ट 0 हो गया, cos का होता है sin n पाई टी अपॉन n पाई। ठीक है, इंटीग्रेट किया इसको, तो ये लगा T=0 को, साइन एन पाई हो जाएगा माइनस साइन 0, साइन एन पाई 0 और साइन 0 0, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया, ए एन की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, बी एन की भी निकालो ऐसे ही, 2/T ओवर ए पीरियड, यहाँ पे FT, यहाँ पे बस साइन हो जाता है, साइन एन ओमेगा नोट टी डी टी, ये होता है ना, तो यहाँ पे भी लगाओ 2/T 0 से लेकर 2 FT साइन ओमेगा नोट की वैल्यू लगाओ यहाँ पे N π/T dt। ठीक है, तो BN जो आ गया मेरा कितना आ गया, ये 0 से 1 तक दे रखी है इसकी वैल्यू। ठीक है, कितनी है, 1 साइन N π/T प्लस यहाँ पे लिखो dt प्लस, और 1 से लेकर 2 तक इसकी वैल्यू कितनी है, 0। साइन का क्या होता है, माइनस कोस एन पाई t
टी अपॉन एन पाई, लगाओ इसको इसमें कितना मिल जाएगा मुझे, माइनस कोस एन पाई प्लस कोस जीरो, कोस जीरो होता है वन, अपॉन एन पाई। ठीक है, कोस एन पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस एन पाई होता है माइनस वन की पावर एन अपॉन एन पाई। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये मुझे क्या मिल गया, बी एन इक्वल्स टू वन माइनस एस करके लिख लूँ ना मैं से। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो अगर मैं एन की वैल्यू ओड लगाऊँ यहाँ पे, ओड इक्वल्स ओड मतलब जैसे 135, तो वन लगाया तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, वन प्लस वन टू, थ्री लगाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। तो जब उसमें एन की वैल्यू ओड लगा रहा हूँ तो ऊपर वैल्यू बन रही है मेरी टू अपॉन एन पाई। अगर एन इक्वल्स टू मैं इवन लगा दूँ, लगा दिया मैंने टू, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस वन की पावर टू यानी वन, वन माइनस वन जीरो। तो जब जब मैं इवन वैल्यू डालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ए एन ए नोट ए एन बी एन सब मिल गया, इनको डायरेक्ट उठा के बस क्या कर देना, फॉर्मूले में रख दो उसके यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लगा दो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लगा रहा हूँ। ए नोट आया वन बाई टू, ए एन मेरा जीरो आया तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। बी एन की वैल्यू मुझे पता ही है, अभी आई है टू बाई एन पाई एन इक्वल्स टू ओल्ड के लिए। ठीक है, तो मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे, कितना आ गया मेरा एफ टी जो आ गया वो कितना आ गया, ए नोट यानी वन बाई टू एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पे क्या मेरा एन ओड है, ए एन जीरो आया। ठीक है, ठीक है, उसको तो मैंने जीरो कर दिया। बी एन आया मेरा टू बाई एन पाई इंटू साइन एन पाई टी, ये मेरा पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया एफ टी का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ और चाहिए, क्या, पहला पार्ट तो हो गया उसका एम्पलीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रा बनाना। तो एम्पलीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कोसाइन वाली फॉर्म में लिखेंगे यानी हार्मोनिक फॉर्म में, जो पिछले वाले वीडियो में देखा था हमने। तो इसको हार्मोनिक फॉर्म क्या होती है, हार्मोनिक फॉर्म जो होती है वो होती है ए नॉट प्लस एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन ओमेगा नॉट टी प्लस फाई एन। ठीक है, ये बताया था मैंने। तो यहाँ पे देखो मेरा ए एन जो होता है वो क्या होता है, अंडर द रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। ए एन आया मेरा जीरो तो बी एन कितना आ गया, उसके मोड के बराबर। बी एन की वैल्यू कितनी है मेरी, इसकी वैल्यू कितनी है, टू बाई एन पाई है जब एन ओड है और जीरो जब एन इवन है। ए एन की वैल्यू तो आ गई मेरी कितनी है, टू बाई एन पाई जब एन ओड होगा। ठीक है, यही है ना, ए एन किसके इक्वल है, मोड है बी एन के, मोड बी एन की वैल्यू कितनी होगी, टू बाई एन पाई एन इक्वल्स टू ओड के लिए। तो एन ए एन तो आ गया, फाई एन क्या होता है फिर, माइनस टेन इनवर्स बी एन अपॉन एन, माइनस टेन इनवर्स बी एन कितना दे रखा है, टू अपॉन एन पाई। यहाँ पे एन क्या मेरा ओड, ठीक है, यहाँ पे क्या एन मेरा ओड है, तो फाई एन कितना आ जाएगा मेरा, माइनस जीरो डिवाइड करूँगा कितना बन जाएगा मेरा अंदर, टेन इनवर्स इन्फिनिटी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस टेन टेन इनवर्स टेन 90 डिग्री, तो कितना मिल जाएगा मुझे, माइनस 90 डिग्री। यानी एंगल उसका जो फेज स्पेक्ट्रा होगा एन इक्वल्स टू ओड के लिए कितना देगा मुझे, हमेशा माइनस 90 डिग्री। बस इन्हीं को मुझे क्या कर देना, अब इनका स्पेक्ट्रा बना देना। तो बनाओ इनका स्पेक्ट्रा, ए एन और फाई एन हमें पता चल गया, तो ए एन के लिए बनाओ। कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पे पहले इसके लिए टेबल बना लो, ए एन के लिए मैं डिफरेंट वैल्यूज के लिए बना रहा हूँ। एन यहाँ पे मैं ले लिया एन, और फिर यहाँ पे करता हूँ मैं क्या, ए एन ले लेता हूँ। एन इक्वल्स टू वन डालो, टू डालो, थ्री डालो, फोर डालो, फाइव डालो, ऐसे करके डालते चले आओ जितनी बेल्ट डालनी है। ठीक है, तो वन डाला मैंने, यहाँ पे देखो कितना आ गया, ए एन जो कितने किसके बराबर है, यहाँ पे देखो टू बाई एन पाई, तो यहाँ पे लगाओ कितना आ जाएगा, ये टू बाई पाई। एन कस्ट टू आया, एन कस्ट टू यानी इवन, यहाँ पे जीरो आ गया। एन कस्ट थ्री कितना हो गया, टू बाई थ्री पाई, फोर पे अगेन जीरो, ये कितना आ जाएगा, टू बाई फाइव पाई। ठीक है, इस टाइप से बना लेंगे कुछ पॉइंट। एंगल के लिए क्या रहेगा, हर एक ओड ओड के लिए कितना रहेगा, माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो इनको मैं बनाता हूँ यहाँ पे, देखो
ये जो एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा जो होता है वो क्या होता है, ए एन वर्सेस एन ओमेगा नोट, एन ओमेगा नोट कितना दे रखा है मुझे, पाई। तो हमारा ये एक्सिस होगा क्या होगा, एन पाई एक्सिस, वो यहाँ पे ये ए एन। तो पहला पॉइंट यहाँ पे 0, एन कस टू वन डालो तो पाई, सेकेंड 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ठीक है। एन इक्वल्स टू 0 पे, एन इक्वल्स टू 0 क्या बताता है, उसकी एवरेज वैल्यू कितनी आई थी हमारी, एवरेज वैल्यू 1/2। तो मैं यहाँ पे क्या मार्क कर दूंगा, 1/2। नेक्स्ट ये कौन सा पॉइंट बता रहा है, एन इक्वल्स टू 1, एन इक्वल्स टू 1 पे कितनी वैल्यू आई है मेरी, 2/π, 2/π क्या 1/2 इससे ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 2/π। एन इक्वल्स टू 2 पे जो वैल्यू है वो 0 हो गई। एन इक्वल्स टू 3 पे कितनी आ गई, 2/3π। एन इक्वल्स टू 3 पे, ठीक है, बना दो इसे थोड़ा, इससे एक कम होगा, 2/3π। एन इक्वल्स टू 4 पे अगेन 0 हो गई। एन इक्वल्स टू 5 पे और छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा, ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रा, ठीक है। ऐसे फेज स्पेक्ट्रा, फेज के लिए उसने बता दिया जब जब एन की वैल्यू ओड रहेगी तो -90 रहेगा। तो बना दो फेज के लिए भी, उसमें तो कुछ निकालना पड़ा नहीं हमें। तो यहाँ पे ये एन पाई एक्सिस जैसे यहाँ पे होता है, और यहाँ पे कितना 5n। तो ये इसका क्या ग्राफ होता है, इसमें क्या बनाते हैं हम, 5n वर्सेस n ओमेगा नोट, यानी 5n वर्सेस n पाई, है ना। तो n इक्वल्स टू 0 पे कितना है, इसने कहा इवन के लिए तो 0 है, ओड के लिए -90। तो n इक्वल्स टू 0 ओड इवन हो गया, सॉरी, यहाँ 0π, 2π, 3π, जहाँ तक मन करे वहाँ तक बना लो। n इक्वल्स टू 0 इवन यानी 0, n इक्वल्स टू 1 आया तो यहाँ पे आ गया कितना -90। यहाँ पे लिख दो कितना -90 डिग्री, ठीक है। एन इक्वल्स टू 2 पे 0, एन इक्वल्स टू 3 पे अगेन -90, 4 पे 0, 5 पे -90, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फेज स्पेक्ट्रा, इस तरह से बनाते हैं फेज स्पेक्ट्रा, ठीक है। हमने ऐसे ही कॉम्प्लेक्स में बनाया था, और ये क्या इसमें आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, ठीक है। दो किसी भी तरीके से बना लो जैसे मन करे, एक बार देख लो कोई स्टेप अगर छूट गया हो तो, ठीक है। वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पूरा ऊपर जैसा तो सेम ही है, नीचे बस ए एन और 5n निकालना रहता है, उनको बस ड्रॉ करना है ग्राफ, तो कोई भी ड्रॉ कर देगा अगर ए एन और 5n निकाल लिया तो, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही होगा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।